हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे सर्वेश कुमार वर्मा क्वांटम कैट लेवल वन का पार्ट टू। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले आज का हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर एक्स प्लस टू एंड 2x plus 3 सेंटीमीटर। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी 60 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सिंपल सा बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और एल्टीट्यूड दिया हुआ है आपको x प्लस टू, और बेस दिया हुआ है कितना 2x प्लस 3, ठीक है, और एरिया इसका क्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर कौन से ट्रिपलेट में आता है, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पर जोर देना होगा। देखिए 21 किसी के साथ ट्रिपलेट नहीं बनाता है, 13 किसके साथ बनाता है, 5 12 और 13 होता है ट्रिपलेट, 15 तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं, ये 13 हेप्टेन्यूज का काम कर रहा है, तो 15 किसी हेप्टेन्यूज का काम करता है, 15 किसी के साथ ट्रिपलेट तो बनाता है 15, मगर 3 4 5 के साथ बनाता है। तो यहाँ पर यदि 15 करते हैं तो इसमें 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ये 12, ये 9, ठीक है, ये हो गया इसका ट्रिपलेट। और 17 का ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 और 17। अब देखिए एरिया खुद देख लीजिए, अगर आपको ट्रिपलेट पता होता तो डायरेक्ट आप इसको मार देते, कैसे, 1/2 बेस इनटू हाइट, यहाँ से कट गया, 4 15 चौके 60 आंसर हो गया। एरिया कितना दिया हुआ है 60, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि आप इससे एरिया निकालोगे तो इससे एरिया कितना हो जाएगा 30, तो 30 एरिया आ नहीं रहा, इससे एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा 54, तो इससे भी नहीं होगा। और अगर डिटेल में करना चाहते हो तो सबसे सिंपल सा है कि 1/2 एक्स प्लस टू और 2x प्लस 3 इक्वल टू 60, यहाँ से सॉल्व करने चालू कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस टू और 2x प्लस 3 इक्वल टू 120। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 120, और यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1140। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। इसको तोड़ने का तरीका होगा तो इसको फिर से आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12x माइनस 114, यहाँ पर ये 12x है। तो देखिए अब यहाँ से आप कॉमन लेने चालू करोगे तो क्या क्या आ जाएगा ये देख लो। देखो किसी भी चीज़ करने का सबसे बेसिक तरीका उसका ट्रिपलेट याद कीजिए। देखिए ट्रिपलेट सॉल्व करने में आपको इतना में 2 सेकंड भी नहीं लगा, और देखिए डिटेल में कितना लेंदी जा रहा है। अब कॉमन लीजिए यहाँ से, ठीक है, एक्स तो 2x प्लस 19 हो गया, और यहाँ से लीजिएगा 6 तो ये भी हो गया 2x प्लस 19 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 6 निकल के आया, और एक x इक्वल टू माइनस 19/2, तो ये तो नहीं होगा माइनस 19, x इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू 6 पुट करते हैं। देखिए x प्लस 2 है तो 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 2x प्लस 3 है तो इसमें 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 12 = 15। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किसी भी ट्रायंगल में ये 8 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा 17 होगा। और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये क्या हो गया 15 × 60। तो आप डायरेक्ट यहाँ से अगर आपको ट्रिपलेट पता रहता कि 17 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है और लेंथ ऑफ हेप्टेन्यूज भी बोला हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है लेंथ ऑफ हेप्टेन्यूज दिया हुआ है, तो ये 17 हेप्टेन्यूज हो गया, तो 8 और 15 उसका बेस और ये हो गया आपको परपेंडिकुलर। तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था, आपको 8 15 और 17 आप ट्रिपलेट का वीडियो एक बार जाके देखिए, वहां पर आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक अंक पता हो ट्रिपलेट का, कोई भी एक नंबर पता होगा आप ट्रिपलेट पहचान लोगे कि उसका ट्रिपलेट कौन सा होगा। तो पीछे में जाकर ट्रिपलेट का वीडियो एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन विथ ईच साइड ए सेंटीमीटर। तो देखिए ऑक्टागोन का साइड होता है ये, देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया ऑक्टागोन, ऑक्टागोन जिसका 8 साइड हो,
थोड़ा सा हम लोग का ऑक्टागन क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है, ये ऑक्टागन हो गया। और ऑक्टागन का आठों साइड क्या है, बराबर होता है, ये सारा बराबर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं, ये सारे को एक्सपेंड कर दिए। तो ये जो ए बी सी डी आया ना, ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये स्क्वायर होगा। और एक स्क्वायर के अधि मतलब कि आप कॉर्नर सारा काट दीजिएगा चारों कॉर्नर, तो वो ऑक्टागन बनता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है ए सेंटीमीटर, ये सारा ए सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑक्टागन का साइड कितना दिया हुआ है, ए सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक बात बताइए कि ये यहाँ से इसको कंसिडर कीजिए, सिर्फ इस पोर्शन को, अगर ये एक पोर्शन है और आपको ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर स्क्वायर का आपको पता है ये 90 होता है, ए दिया हुआ है, इसको एम एन मान लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि ए बाई रूट टू, और ये भी क्या हो जाएगा, ए बाई रूट टू, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू। तो अब यहाँ से आपको टोटल ये वैल्यू क्या हो गया, ए बाई रूट टू, और ये भी वैल्यू क्या हो गया, आप सब कुछ सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पर ए बाई रूट टू ये भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, ये होगा ए रूट टू। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि ए बी का वैल्यू क्या हो गया, ए बी का वैल्यू तो ए प्लस ए बाई रूट टू और प्लस ए बाई रूट टू आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2a/√2। यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2a। आप समझ गए, ये हो गया आपका साइड। और किसी भी स्क्वायर के लिए, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है और इसका साइड दिया हुआ है ए प्लस रूट टू ए, तो अगर आपसे कोई एरिया पूछे तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर से, तो ए प्लस रूट टू ए का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया स्क्वायर का एरिया निकल रहा है, ये पूरे ए बी सी डी का एरिया हम लोग पहले निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, कॉर्नर वाला चारों को हम लोग माइनस कर देंगे तो ऑक्टागन का एरिया निकल जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अगर मान लीजिए ए सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a² और प्लस 2√2a², ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2+1 3 और प्लस 2√2, ठीक है, ये तो आप समझ गए, 2√2 हो गया। ये किसका एरिया आ गया, पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया ए बी सी डी, ये किसका हो गया एरिया, ए बी सी डी का। और आपसे अब कोई पूछे, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इसका एरिया अगर ये ए बाई रूट टू है और ये भी ए बाई रूट टू है और ये 90 डिग्री है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 1/2, किसी ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 × 2, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4। इसका एरिया कितना आया, ए स्क्वायर बाई 4। उसी तरह इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4। इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4। उसी तरह इसका भी आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। तो आप बोल सकते हो कि ए, ये टोटल जो चारों ये हैं, ये चारों आप शेडेड पोर्शन जो हैं, शेडेड पोर्शन का एरिया चारों का आप ए स्क्वायर बाई 4 निकाले हो और इसमें इंटू 4 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चारों शेडेड पोर्शन का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो अगर हम ए बी सी डी में से ये चारों शेडेड पोर्शन का एरिया को माइनस कर देते हैं, चारों शेडेड पोर्शन के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग का ऑक्टागन का एरिया निकल जाएगा। तो ऑक्टागन का एरिया क्या हो जाएगा, ऑक्टागन का एरिया आपको पूरे स्क्वायर का एरिया, तो ए स्क्वायर 3+2√3 और माइनस ए स्क्वायर, ये समझ गए आप, ऑक्टागन का एरिया क्या हो गया, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। देखिए किसी भी चीज़ को आसानी से करना बहुत ही सरल होता है। ऑक्टागन का एरिया हम लोग क्या निकालें, पूरे स्क्वायर का एरिया 3+2√3 और उसमें से चारों जो शेडेड पोर्शन है उसके एरिया को माइनस कर दिए, ठीक है।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से, यहाँ से फिर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2√3, ठीक है, 2 + 2√2 होगा। देखिए यहाँ पर 3 लिख दिए हैं सब जगह, और यहाँ पर 3 नहीं 2√2 है, यहाँ पर 2√2 है और ये 2√2 है। तो अब देखिए आंसर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर 2√2, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या 2 कॉमन ले लिए, तो 2a² 1+√2, कोई ऑप्शन है ऐसा, तो 2a² 1+√2 ऑप्शन ए है। हम लोग को कुछ नहीं करना था, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेना था, और उसमें से जो ये पहले हम लोग ऑक्टागन ड्रॉ किए उसके कॉर्नर पर हम सारा मिलाकर एक स्क्वायर बना दिए उसको, और ये जो शेडेड पोर्शन है, अगर ऑक्टागन का साइड ए दिया हुआ है तो ये a√2 हो गया, आप चारों शेडेड पोर्शन का एरिया को माइनस कर देंगे स्क्वायर में से, आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, आप थोड़ा सा उसके बेसिक के बारे में जानिए तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा करने में, और अगर आप नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, 4 इक्वल सर्कल आर जस्ट टचिंग ईच अदर हुज सेंटर्स आर ए बी सी डी ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड टू द अनशेडेड विद इन द स्क्वायर। ये शेडेड टू अनशेडेड पोर्शन निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर के साइड को, इस साइड को 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्क्वायर के साइड को 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो आपको स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, 4। अगर आप स्क्वायर के साइड को 2 मान लीजिए, लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, लेट आप साइड मानो डी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये डी सी क्या है, साइड है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के साइड को 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो एरिया क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 4 एरिया हो गया, तो यहाँ पर 4 इक्वल सर्कल बोल रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लो, सबसे बेस्ट है, ये इस तरह है, यही सेम फिगर है, हम लोग को शेडेड टू अनशेडेड निकालना है। हम लोग इसका साइड 2 मान लिए, ठीक है, 2 मान लिए, तो ये 1 और ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 1 ये हो गया, सारे जगह सेम ही होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया 4 हो गया। अब देखिए ये एक क्या है, सर्कल का फोर्थ पार्ट है, क्वार्टरी सर्कल है, उसी तरह ये भी एक क्वार्टरी सर्कल है। तो आप बताइए अगर किसी भी सर्कल को 4 पार्ट में काट दिया जाए, तो एक पार्ट ये है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया, मीन्स चारों पार्ट मिलाकर एक सर्कल बना देगा, और उस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस है 1, सारे का रेडियस 1 ही है, तो रेडियस 1 है, तो आपको एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई और 1 का स्क्वायर, ठीक है, पाई हो गया सेंटीमीटर। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि पाई कैसे आया, ये 4 क्वार्टर सर्कल को मिलाकर एक सर्कल बना दिए हम लोग, ठीक है। एक क्वार्टर सर्कल का निकाल कर आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी सही है, या फिर 4 क्वार्टर सर्कल को आप, जैसे हम आपको बताएं कि ये 4 क्वार्टर सर्कल कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 4, ये चारों क्वार्टर सर्कल को हम लोग जोड़ेंगे तो एक सर्कल बनेगा, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 सेंटीमीटर देता, पाई हो गया। अब देखिए यहाँ से शेडेड पोर्शन टू अनशेडेड पोर्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, शेडेड रीजन, तो आप एरिया ऑफ शेडेड, स्क्वायर का एरिया कितना आया था 4, और 4 में से ये सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है ये निकल जाएगा। ये तो हो गया शेडेड पोर्शन, ठीक है, और अनशेडेड पोर्शन जो है, अनशेडेड पोर्शन जो है वो क्या है, सर्कल ही तो है। ये जो था, आप देखो फिगर को ध्यान से देखो, अनशेडेड पोर्शन कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 4, यही तो अनशेडेड पोर्शन है, तो 1, 2, 3, 4 क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या था, पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर निकाले थे तो पाई आया था, सर्कल का शेडेड मतलब कि अनशेडेड पोर्शन क्या है, पाई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए
शेडेड बाई अनशेडेड, ठीक है, तो 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 22 बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 22 बाई 7, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को आराम से करिएगा तो सॉल्व हो जाएगा, और जितना ही तकलीफ़ होगा अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर, तो यहाँ होगा 28 माइनस 22 बाई 7, 22 बाई 7 या 7 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 6 बाई 22, इसको सॉल्व करेंगे 3 बाई 11, तो 3 बाई 11 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम इन विच ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन ई एफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक चीज, इस फिगर को भूल जाइए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपेजियम है, और यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, और इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा, एम और एन, तो ये एम एन का वैल्यू क्या होगा हम पहले यहाँ पर देखेंगे। एम एन बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल का, ट्रेपीजियम का बोल दीजिए, प्रॉपर्टी होता है। वही चीज़, इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ट्रेपीजियम में देखिए ए बी क्या है, ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, और ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी डिवाइड बाई 2। कौन सा ऑप्शन है, ए डी प्लस बी सी डिवाइड बाई 2, 14 का कौन सा ऑप्शन है, 14 का ए इसका आंसर हो गया। देखिए किसी भी चीज़ को आपको प्रॉपर्टी तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और ऐसे भी जब क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं तो बहुत सारे, जब आप ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया मगर प्रॉपर्टी इसका यूज किए हैं एक दो क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, तो ये इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए राइट सर्कुलर कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इज कट एट 4/5 ऑफ इट्स हाइट्स अलोंग द प्लेन पैरेलल टू द सर्कुलर बेस, देन हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन इज 75 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर, व्हाट इज द बेस रेडियस ऑफ कट फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ द कोन। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए इस क्वेश्चन को देखने में लोगों को लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है मगर क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए एक कोन है, ठीक है, कोन का जो टोटल हाइट है यहां से यहां तक ये दिया हुआ है 5, इसको कट किया गया है किसी डिस्टेंस पर, ठीक है, तो आपको सिमिलैरिटी लगाने तो आता होगा, सिमिलैरिटी तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, यहां से जैसे ए बी सी, ठीक है, डी ई, ये हो गया सिमिलैरिटी का। ये टोटल यहां से यहां तक हम एक्स मानते हैं तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है। तो अब यहां पर समझने वाला बात क्या है, ये देखिए यहां पर O लिख लीजिए और यहां पर M लिख लीजिए, ए ओ बाई ओ ए एम, ए ओ बाई ए एम, ए ओ क्या दिया हुआ है यहां पर, ए ओ हाइट हम लोग x माने हैं तो मान लीजिए x, और ए एम, ए एम मतलब कि टोटल, तो 4x ये है और x है, तो ये क्या हो गया 5x, तो आप बोल सकते हो कि ए ओ बाई ए एम कितना हो गया 1/5। और वहीं अगर आप सिमिलैरिटी यूज करोगे इस ट्रायंगल में, मतलब कि ट्रायंगल ए ओ ई और ट्रायंगल ए एम सी, ये दोनों सिमिलर होगा, आप सिमिलैरिटी यूज कर लेना, ठीक है, तो वहां से आप क्या कह सकते हो, आप वहां से कहोगे ये जो ए ओ है और ओ ई बाई एम सी होगा, कहने का मतलब है ए ओ बाई ए एम इक्वल टू ओ ई बाई एम सी, और ए ओ बाई ओ एम का क्या वैल्यू निकाले थे 1/5। अब देखिए यहाँ पर डायमीटर जो है ये दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 41, तो ये रेडियस क्या हो गया 21, ठीक है, हमको रेडियस निकालना है, ये रेडियस हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर एम सी का वैल्यू क्या दे दिया, अब इस ये दोनों को देखिए, ये तो यहाँ पर ओ ई का वैल्यू हमको निकालना है, तो 1/5 इंटू एम सी कर सकते हैं, और एम सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, रेडी यहाँ पर डायमीटर 41 दिया हुआ था, इसका रेडियस कितना हो गया 21, तो 21/5, 5 के 20, 4.2 इसका आंसर हो गया।
और वैसे आप डिटेल में करिएगा तो इस क्वेश्चन को निकालने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा। और कभी भी डिटेल में नहीं कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बोला है सिमिलैरिटी यूज कर दीजिए, बस ये वाला ट्रायंगल में ये सिमिलैरिटी आपको पता होगा कि अगर ये और ये दोनों सिमिलर हैं तो ये भी सिमिलर होगा, ये भी सिमिलर होगा, दो ट्रायंगल को सिमिलैरिटी यूज कीजिए, प्रॉपर्टी से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंथ ब्रेथ आर द एल एंड बी आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो किसी रेक्टेंगल का ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज न्यूमरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, और न्यूमरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल माइनस बी, एल माइनस बी का वैल्यू निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से 2l प्लस 2b इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हो ना, केवल 2 को हम क्या किए, अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2l इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस 2b लिख सकते हैं, ठीक है। 2l इक्वल टू लिख, देखिए आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा अरे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए इसको और भी हम थोड़ा सा आसानी से करते हैं। अब इसको लेंथ को एक साइड में ले जाइए, ठीक है, या फिर ब्रेथ को एक साइड में ले, किसी, देखिए आपको निकालना क्या, आपको लेंथ पहले निकालना, लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक को निकालना है, तो आप किसी एक को क्या करिए कि एक साइड ले आइए जो कि कॉमन हो, ठीक है। तो आप, हम चलिए देखते हैं, 2b इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ से 2l को यहाँ से उठा के इस साइड ला सकते हो, आप 2b को भी ले जा सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आपको जो इच्छा करे कोई को भी ले जाकर किसी, पहले लेंथ भी निकाल सकते हो, ब्रेथ का भी कर सकते हो। इस यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे कि आप लेंथ भी इधर ले जा सकते हो, ब्रेथ भी ले जा सकते हो, कोई एक ही चीज़ ले जाना, ठीक है। तो 2b इक्वल टू, यहाँ लेंथ कॉमन हो गया, बी माइनस टू, ठीक है। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, 2b बाई बी माइनस टू। आप चाहो तो यहाँ बी भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आप कंफर्टेबल हो उसको ले आओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ में आया कि लेंथ बराबर 2b माइनस बी माइनस टू हो गया, तो लेंथ बराबर 2b माइनस, तो यहाँ पर माइनस 4 और प्लस 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत है, बी माइनस टू। ऐसा क्यों किए, क्योंकि नीचे से बी माइनस टू एक हट जाए, ठीक है। अब देखिए कैसे हटेगा, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो बी माइनस टू प्लस 4, और यहाँ हो गया बी माइनस टू। अब इंडिविजुअली हम डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 बाई बी माइनस टू। आप चाहो तो लेंथ के लिए भी कर सकते हो अलग से, मतलब कि जैसे हम लेंथ बराबर 2 प्लस 4 बाई बी माइनस टू निकाले, उसी तरह आप ब्रेथ बराबर निकाल सकते हो। मगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ ब्रेथ जो है वो लेंथ से छोटा है, तो हमेशा लेंथ के कॉन्टेस्ट में निकालिएगा, तो थोड़ा कम्फर्टेबल रहिएगा आप, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको देखिए किसी भी चीज़ को तो कॉम्प्लिकेटेड आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। आप, हम लेंथ से निकालें, आप ब्रेथ से भी निकाल सकते हो, जैसे मन वैसे निकालिए, बस निकालना चाहिए आंसर, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इंटीजर नहीं आना चाहिए, सबसे पहली बात, जो एल का वैल्यू है 2.5 3.5 नहीं, ये डायरेक्ट नंबर आना चाहिए। तो देखिए बी का क्या ऐसा वैल्यू रखे कि 4 डिविजिबल हो, 4b माइनस 2। अगर हम बी का वैल्यू 6 रख देते हैं, तो 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 6 माइनस टू, तो डिविजिबल है, 1 हो जाएगा ये। अगर हम बी का वैल्यू यहाँ पर 4 रख देते हैं, तब पर भी 4 माइनस टू, 2 डिविजिबल है, 4 जो है डिविजिबल है 2 से। अगर हम बी का वैल्यू क्या रख सकते हैं, बी का वैल्यू अगर हम, आप और सोचिए, 3 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, तो 4/1 डिविजिबल है, ठीक है। यही तीन वैल्यू पॉसिबल है बी का। अगर ये तीन वैल्यू पॉसिबल है बी का, तो हम लोग लेंथ बराबर यहाँ पर बी का अगर वैल्यू पुट करते हैं, देखिए लेंथ बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, 2 प्लस 4 बाई बी माइनस 2, ये निकाले हैं। अब इसमें बी का वैल्यू पुट करते हैं, अगर बी का वैल्यू 6 पुट कर देते हैं, तो 6 पुट करेंगे तो यहाँ लेंथ कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4, और 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर 3, ये हो गया। और अगर हम लोग लेंथ में यहाँ पर b का वैल्यू 2 प्लस 4 बाई बी माइनस 2 है, इसमें b का वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 4। मीन्स अगर ब्रेथ बराबर 4 होगा तो लेंथ बराबर भी
फोर होगा, ठीक है। अगर ब्रेथ बराबर सिक्स होगा तो लेंथ बराबर थ्री होगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेंथ हमेशा बड़ा होता है, तो ये केस तो हमेशा आपका नहीं होगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर बन गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो अब बचा क्या, सिर्फ थ्री बचा, थ्री बचा। तो अब देखिए फिर से आप एक बार पुट करिए, यहाँ पर पुट करिए फोर बी माइनस टू, यहाँ पर थ्री पुट करते हैं, बी का वैल्यू क्या पुट किए थ्री, तो यहाँ पर बी बराबर थ्री पुट कर दिए तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू प्लस फोर, ये हो जाएगा सिक्स। तो एग्जैक्ट आपका यही होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ एक केस में आया कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो गया जब वैल्यू पुट किए, तो लेंथ बराबर फोर ब्रेथ बराबर फोर, तो वो तो स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, एक में लेंथ छोटा हो गया ब्रेथ बड़ा हो गया, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि लेंथ हमेशा रेक्टेंगल का बड़ा होता है ब्रेथ से। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग लेंथ बराबर सिक्स और ब्रेथ बराबर थ्री ये आया, तो l माइनस बी निकालना है, तो सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, ठीक है, ये हो गया आपका थ्री आंसर। क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको एक फॉर्मेट में फॉर्मूला को ले आना था और वैल्यू अज्यूम करना था कि किससे डिविजिबल है, कौन सा पार्ट, ये फोर बी माइनस टू सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। सत्रह नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सत्रह है, इन द एड ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी लाई ऑन द सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 28। ये है शेडेड रीजन आपका, ठीक है, और इसका डायमीटर है तो ये 14 आपको रेडियस हो गया, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी भी 14। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है रूट 3/4 और 14 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3/4 और इंटू 196 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने हम बताए हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360, ये बहुत बार हम यूज कर चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह देखिए यहाँ पर थीटा के जगह क्या यूज कीजिएगा, ये हो गया 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 हो गया सारा का सारा, ठीक है। तो आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे, 60/360 पाई, और आर का वैल्यू क्या है 14, तो 196। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो गया, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 102/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई का भी वैल्यू 22/7 यहाँ पर पुट कर दीजिए, देख लीजिए, अब 22/7 पुट कीजिएगा तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 102/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए आपको सेक्टर पता चल गया, कहने का मतलब ये है कि ये पूरा सेक्टर पता चल गया और उसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पता चल गया, तो ये शेडेड पोर्शन नहीं निकल जाएगा, यदि पूरे सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल को घटा देते हैं तो पूरे सेक्टर का एरिया क्या निकला है, 102/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से माइनस क्या करना है, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो ऑप्शन में होगा ये हो गया आपका शेडेड एरिया हो गया, ये कुछ नहीं करना था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल को घटा देना था, तो ये हो गया 102/3, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। आप सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट ही आप कर सकते हो, यहाँ दिया भी हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्ट ही ऑप्शन में, ठीक है। एल वन बी वन एंड एल टू बी टू आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली, बट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एल वन इज इंक्रीज बाई 25%, बी वन इज इंक्रीज बाई डिक्रीज बाई 25%, इफ एल टू इज डिक्रीज बाई 25% एंड बी टू इज इंक्रीज बाई 25%, देन ए वन एंड ए टू ऑफ द न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको एक फार्मूला बताए थे एक्स प्लस वाई एक्स वाई इंटू 100, ठीक है, उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर और भी मैथड से आप इसको सॉल्व किया जा सकता है, आप इसको एक बार सॉल्व कीजिए, अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें आपको इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।